हेलो एवरीवन, रेड स्किन बहुत ज़्यादा हो गई है। पार्लर भी नहीं जा सकते, मेकअप का कुछ भी नहीं आता। बस अब या फिर अभी अभी बस स्टार्ट किया है मेकअप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप स्क्रबिंग कैसे ही कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको लाइफ स्टाइल, फैशन और व्लॉग से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। और अभी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ तो मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, बट मैं जैसे ही बाहर जाने लग जाऊँगी तो मेरे कंटिन्यूअसली व्लॉग भी आने लग जाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस वीडियो की है वो ये है कि पहले मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल फेस स्क्रब, जो कि है आर्याना का स्किन केयर नेचुरल का। और इस ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पे मुझे फ्री मिला था, और कई सारे प्रोडक्ट्स मुझे फ्री मिले थे। मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही फ्री मिलेगा, ये सबके लिए फ्री हो सकता है। अगर आप इस पे जानना चाहते हैं कि आप फ्री प्रोडक्ट ट्रायल बेसिस पे कैसे मंगा सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाउ टू गेट अ फ्री प्रोडक्ट और ट्रायल प्रोडक्ट। उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कि कैसे किस जगह से मिलते हैं आपको। अगर मुझे मोर देन 50 कमेंट्स भी आ गए तो देन मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। और आज की वीडियो मेरे लिए बिगनर्स के लिए ज़्यादा स्पेशल है, जिन्होंने अभी अभी बस करना स्टार्ट किया, उन्हें इतना नहीं पता होता है कि कैसे क्या करते हैं। सो या हाउ टू यूज स्क्रब, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी वन मोर थिंग इज़ दैट कि अभी तक आपने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक नहीं की है तो जाके चेक करो, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और मुझे टैग करना ना भूलिए, अगर आप मुझे किसी चीज़ में टैग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है जब लोग टैग करते हैं, तो मुझे उस पर रिएक्ट करने में अच्छा लगता है। सो या आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। और एक काम आपको और करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि आप मुझे कमेंट करना है कि आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मुझे आइडिया रहे कि लोग क्या देखना चाहते हैं, और ये मेरे लिए हेल्प भी हो जाती है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि स्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। सो या आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब चलते हैं, हम अपनी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले मैं अपने बालों को सेट कर लेती हूँ, ताकि ये बाद में जब मैं करूँ तो मुझे तंग ना करें। मैं हमेशा बाल बांध के ही रखती हूँ, मेरी काफ़ी सारी वीडियो में आप देखेंगे तो मेरे बाल बंधे ही होते हैं, क्योंकि मुझे गर्मी में ना बहुत गर्मी लगती है, तो मेरे को बालों से कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो मैं बाल ऑलमोस्ट टाइम बांध के ही रखती हूँ। ये भी लगा लेती हूँ। सो या नाउ, स्क्रब लेने से पहले हमेशा याद ध्यान रखें कि हमेशा छोटे पार्टिकल्स वाले स्क्रब लेना चाहिए, क्योंकि जिनमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं वो चेहरे पे हार्श करते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें जब भी आप स्क्रब लें। तो ये वाले जो स्क्रबिंग है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, और ये कंपनी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट चीज़ें जो है आयुर्वेदिक तरीके से बनाती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी है। और मैं इसको कई बार यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि इसका रिजल्ट कैसे आता है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो या अब मैं इसके साथ इसको लगाती हूँ, और साथ में थोड़ा पानी भी रखना है आपको, ठीक है? ये नहीं भूला, मैंने भी रख रखा है, तो आपको एक थोड़ा सा बाउल में पानी भी ले लेना है। उसके बाद आपको हाथ हाथ पे लेके, मैं तो जनरली हाथ से ही करती हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है। सो पहले एक बार अच्छे से लगा लें, उसके बाद स्क्रबिंग करने के लिए स्टार्ट करें। पहले इसको एक बार अच्छे से लगा लें, ज़्यादा जल्दी नहीं दिखाने की कोई ज़रूरत है, पहले एक बार लगा लो अच्छे से। अपने मुंह पे फेस पे बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है, ये जल्दी जल्दी सूखता है क्योंकि चारकोल वाला है, और जितने भी स्क्रब है वो जल्दी सूखते हैं। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, थोड़ा सा पानी हाथ में लेके इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा हार्श हाथों से नहीं करना है, वरना आपकी स्किन पर कोई भी स्क्रब हो वो ज़रूर नुकसान करेगा। तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे करके अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ऐसे इस तरीके से करना है, और इसको कम से कम 5 मिनट करें, कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा लगाएंगे और ज़्यादा तेज़ ना करें तब आप 5 मिनट से ज़्यादा करें, वरना आप 5 मिनट तक ही करें, क्योंकि अभी पता नहीं होता है तो कई बार तेज़ कर देते हैं लोग। सो या आपको अच्छे से 5 मिनट तक कर लेती हूँ और आपको मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। हमारे 5 मिनट पूरे और मेरा स्क्रबिंग हो गया पूरा, आप देख सकते हैं रिजल्ट भी मेरे को काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर स्क्रबिंग से क्या होता है, अगर आपको ब्लैक हेड है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं महीने में एक दो बार, हफ्ते में जितने एक आध बार तो ज़रूर करना चाहिए, रोज़ रोज़ नहीं करना चाहिए, रोज़ रोज़ से तो बेकार हो जाएगा, तो आपको हफ्ते में एक बार करना चाहिए या
इज़ डिपेंडिंग ऑन यू कि आपके पास कितना टाइम है उस चीज़ के लिए, तो आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा प्रेफर मास्क से इसको देती हूँ, क्योंकि मास्क में क्या होता है, अगर आप ब्लैक हेड के लिए सिर्फ मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत पेन होता है यार, मेरे को पता है। इसलिए मैं ज़्यादातर या तो यही यूज़ कर लेती हूँ या तो फिर छोड़ देती हूँ। और अगर मुझे कोई और सेकेंड ऑप्शन भी अच्छा लगता है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं ज़्यादा प्रेफर इसी को देखती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो देख के कुछ समझ आया होगा कि कैसे क्या करते हैं। अगर आप वीडियो की कुछ भी डिटेल, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। या यू कैन लाइक मी ऑल्सो प्लीज़। थैंक यू।